बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी लुकेटर यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट उसामा खुर्शीद। व्यूअर्स, आज जो मैं मैग्निफिसेंट आपको प्रॉपर्टी विजिट करवाने वाला हूं, दो कनाल का अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी डिज़ाइन में बना हुआ घर, क्या ही कमाल तरीके से इसको अंदर से डिज़ाइन किया गया है। और ये कम्प्लीट फर्निश्ड हाउस है, कम्प्लीट अमेनिटीज़ के साथ ये घर मार्केट में आ चुका है मेरे पास सेल के लिए। दो कनाल की कैटेगरी का ये घर है जो कि फुल फर्निश किया गया है और जिसमें स्विमिंग पूल और होम थिएटर भी बनाया गया है, और साथ में आपको रूफ टॉप की फैसिलिटी भी मिलती है। बहुत ही कमाल का घर है। व्यूअर्स, मेक श्योर इस वीडियो को आपने लास्ट तक जरूर देखना ताकि इस घर की सारी डिटेल्स आपको पता लग सकें। अंदर जाने से पहले मैं आपको इसका आउटर लॉन एरिया यहाँ से व्यू करवा रहा हूँ, और ये बहुत कमाल और बहुत ह्यूज साइज का इसका फ्रंट एलिवेशन है और बहुत ज़बरदस्त लोकेशन पर यह घर लोकेटेड है। एक चीज़ मैं यहाँ पर मैंशन कर दूँ कि इस वक्त DHA फेज 6 लाहौर में, बल्कि ओवरऑल DHA लाहौर में एक ऐसे समझ लें कि बिल्डर्स की एक जंग सी छिड़ गई है कि कौन सबसे अच्छा घर बनाता है दो कनाल का। और इस वक्त मार्केट में जितने भी घर आ चुके हैं उनमें से हर घर ही अपनी मिसाल आप है। आप जितने भी घर उठा के देख लें दो कनाल के, और अगर इसे पिछले वाली वीडियोस में भी मैंने ऐसी दो कनाल की प्रॉपर्टीज आपको विजिट करवाई हैं जो कि एक 45 करोड़ की डिमांड के साथ है और एक घर की डिमांड है 37 CR, और बहुत ही लेविश किस्म के घर हैं। ये भी एक नई अपॉर्चुनिटी आ चुकी है उन लोगों के लिए जो कि अपने दो कनाल की अकोमोडेशन इस वक्त DHA फेज 6 लाहौर में देखना चाह रहे हैं। व्यूवर्स, घर में आप एंटर होते हैं तो बहुत ही लेविश और स्पेशियस किस्म की आपको ये कार पार्किंग स्पेस मिलती है, जहाँ पे आप चार बड़ी गाड़ियों से मतलब V8 जैसी गाड़ियाँ बहुत ईजिली पार्क कर सकते हैं। एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल सीलिंग डिज़ाइन विद वुडन वर्क, और सामने आप देख सकते हैं मोज़ेक वर्क किया हुआ है कम्प्लीटली आयते क्रीमा के साथ। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, घर में आपको टच पैनल मिलने वाला है और सेंसर लाइट्स का यूज़ किया गया है, फुल बेसमेंट इसमें मिलेगी आपको, और उसी के साथ साथ फुली लोडेड हाउस है और लेविश किस्म का इंटीरियर किया गया है, और कलर स्कीम जो है बहुत बहुत लेविश किस्म की गई है। यहाँ पे एक चीज़ मैं मेंशन कर दूँ कि इससे पहले वाली वीडियो मैंने जो बनाई थी जिस घर की डिमांड 37 CR है, बहुत लोगों ने उसका जो इंटीरियर डिज़ाइन है, उसकी जो कलर कॉम्बिनेशन है, कलर स्कीम्स, जिस तरीके से इंटीरियर डिज़ाइनर ने कलर्स के साथ प्ले किया है, उसको बहुत लाइक किया था। और आई होप कि जिस तरीके से आपने उस घर को इतना प्यार दिया है, ये घर भी आपको उतना ही खूबसूरत लगेगा। मैं इस साइड से भी आपको इस घर का व्यू चेक करवा रहा हूँ, ये चेक करें कितना लेविश किस्म का आपको व्यू मिलता है जो कि कम्प्लीटली मॉडर्न आर्किटेक्चर से कनेक्ट कर रहा है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि हो सकता है मेरी ये वीडियो नॉर्मल वीडियो से थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन आपने उस चीज़ को बर्दाश्त करना है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस घर के साथ नाइंसाफी और जल्दबाजी के चक्कर में मैं आपको इस वीडियो की डिटेलिंग ही ना बता सकूं। डिफरेंट डिफरेंट जगह से आप इसको देखेंगे तो इस घर का जो व्यू है वो बहुत डिफरेंट देखने को मिलता है, मतलब हर जगह से इसका जो एंगल है घर का वो चेंज हो जाता है। बहुत यूनिक और बहुत डिफरेंट किस्म का इसका फ्रंट एलिवेशन है, हर जगह से इसका व्यू डिफरेंट देखने को मिलता है। और यहाँ से मैं आपको घर के अंदर लेके जाना चाहूँगा, और ये है हमारे इस घर की मेन एंट्रेंस। ये डोर भी कम्प्लीटली ऑटोमेटिक लॉक सिस्टम के साथ है, राइट साइड पे भी आप देख रहे हैं टच पैनल है, और यहाँ से हम घर में एंटर होते हैं। और व्यूअर्स, यहाँ पे मैं एक चीज़ बल्कि यार एक सेकंड आके इसका जो लॉक है वो खोल दो, ठीक है, ये ओपन हो चुका है। और अब चेक करें माशाल्लाह कितना स्पेशियस इसका ये जो लॉबी का व्यू है, जिसको आप रिसेप्शन एरिया भी बोल सकते हैं, और क्या ही लेविश किस्म का सीन यहाँ से आपको देखने को मिलता है। इसका सीलिंग वर्क देखें कितना औसम किस्म का किया हुआ है, और जो इसका एक और ज़बरदस्त किस्म का जो चीज़ है वो मैं आपको चेक कराता हूँ। ये यहाँ से आपने नोट करना है, ये चेक करें क्या बात है माशाल्लाह, ये इतनी लेविश किस्म की चीज़ है कि आप जैसे ही इसके करीब आते हैं लाइट सेंस कर लेती हैं कि ह्यूमन यहाँ पे कोई मौजूद है, ह्यूमन हो या जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट हो, उसको ये सेंस करके ये लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती हैं। व्यूअर्स, पहले मैं आपको इसके ग्राउंड फ्लोर का प्लान दिखाऊंगा, जिसमें आपको दो बेडरूम्स मिलेंगे, ड्राइंग डाइनिंग, और उसी के साथ इसकी जो भी पैटर्न है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये सेंटर में बहुत ही खूबसूरत टेबल रखी हुई है, जहाँ पे आप देख सकते हैं आर्टिफिशियल प्लांट्स को रखा गया है। घर में जब आप एंटर हुए हैं तो यहाँ राइट साइड पे पहले मैं आपको लेके चलूँगा, राइट साइड पे हम होंगे तो ये है इसका TV लाउंज, या जिसको आप ड्राइंग रूम भी बोल सकते हैं। ये देखें नीचे इसकी फ्लोरिंग चेक करें कितना ज़बरदस्त इसका जो टाइल्स का पैटर्न है, सामने आप चेक करें कर्टन्स लगे हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत इसका ये सिटिंग एरिया बनाया गया है। कंसोल डिफरेंट जगह पे आपको रखे हुए मिलेंगे, और इसका जो जगह जगह पे आपको डेकोरेशन पीसेस रखे हुए मिलेंगे खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन के साथ विद ब्यूटीफुल रॉप लाइट इफेक्ट। यहाँ पे सामने आप देख लें अगेन सोफाज, उसके पीछे वॉल पे मिरर लगाया हुआ है, नोवा पेंट ऑब्वियसली किया हुआ है इस पूरे एरिया में। ये इसका सिटिंग पैटर्न मैं यहाँ से आपको व्यू करवा रहा हूँ, सेंटर में बहुत ही खूबसूरत मॉडर्न डिज़ाइन में इसकी ये सेंटर टेबल है। मैं इस साइड से भी आपको इसका कंप्लीट व्यू करवा देता हूँ,
ये देखें, और ये राइट साइड पे जो इसकी मीडिया वॉल है बहुत ही लेविश किस्म की बनाई गई है, जिसको बनाने के लिए टाइल वर्क किया गया है। सेंटर में ब्रास वर्क है और ये सेंटर में सैमसंग की आपको LED भी लगी हुई मिल रही है, जहां से आप पूरे घर का अपना सिक्योरिटी सिस्टम देख सकते हैं। और प्लांटर्स भी इधर दे दिए गए हैं। व्यूअर्स, यहाँ से हम मजीद आगे चलेंगे तो यहाँ से भी एंटर कर सकते हैं, और इधर से आप बाहर आएंगे तो फ्लोरिंग स्टार्ट हो जाती है वुडन फ्रेम की। और राइट साइड पे इसका सुपर स्पेशियस मास्टर बेडरूम है, जिसमें सबसे पहले मैं आपकी तवज्जो दिला दूँ, इसका जो सीलिंग वर्क है बहुत ही खूबसूरती से किया हुआ है, खूबसूरत इसकी सेंटर लाइट है। और ये है इसका सिटिंग पैटर्न, जहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन देखें कितना ज़बरदस्त रखा गया है। ये इसका मैं आपको सिटिंग एरिया दिखा रहा हूँ। ये जो वॉल्स हैं यहाँ पे कम्प्लीटली ट्रैवर्टिन स्टोन का यूजेज है। और यहाँ से पहले मैं आपको इसका अटैच वॉशरूम दिखाता हूँ, फिर इसका बेड वॉल और इसका बेड का डिज़ाइन दिखाऊंगा। ये इसका वॉशरूम है जिसमें आप एंटर हुए हैं, तो सामने वैनिटी है, ऊपर LED मिरर है, राइट साइड पे बिल्कुल सामने जकूजी, और ये जो पाथवे है यहाँ राइट और लेफ्ट साइड पे आपको काफ़ी ज़्यादा कैबिनेट के लिए स्पेस मिल गई है, स्टोरेज कंपार्टमेंट्स मिल गए हैं, और यहाँ पे भी वुडन वर्क किया गया है, ग्री AC भी मिल रहा है। और ये सामने वाली वॉल पे देखें कितनी खूबसूरत तरीके से ट्रैवर्टिन स्टोन का यूज़ करके आर्ट वर्क किया गया है। इधर से आप जब इसका व्यू देखते हैं, सामने इसका क्यूबिकल शावर रूम है और उसी के सामने वॉल फिटेड कमोड है। ये मैं आपको यहाँ से चेक करवा देता हूँ, ये देखें। इधर से हम बाहर आए हैं तो अगेन बहुत लैविश किस्म का व्यू आपकी आंखें देखती हैं। इधर से हम आगे आएंगे तो अब हम देखते हैं इसकी बेड वॉल और खूबसूरत बेड, यहाँ से मैं आपको चेक करवाता हूँ, ये देखें। हर जगह बहुत ही खूबसूरती से बहुत लैविश किस्म का काम है, और इसका ये जो बेड है इसको मॉडर्न डिज़ाइन में बनाया गया है, सॉफ्ट कुशनिंग है और ब्रास का यहाँ पे कम्प्लीटली आप चेक कर रहे हैं, बॉर्डर वर्क किया हुआ है, ये आप चेक कर लें। और इधर सामने इसका फ्रंट एलिवेशन है, ये है इसकी मीडिया वॉल जहाँ पे AC भी लगा हुआ है। व्यूवर्स, ये है इसके ग्राउंड फ्लोर का मास्टर बेडरूम, और यहाँ से अब हम बाहर आएंगे तो वेरी राइट पे इसका सेकंड बेडरूम है, और बेडरूम यहाँ पे भी कम्प्लीटली आपको वुडन की ही फ्लोरिंग मिलने वाली है, ऊपर खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन, पूरा घर इतना खूबसूरत है, मैं क्या क्या चीज़ एलैबोरेट करूँ, आपने खुद देखना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये घर कैसा लगा है। ये आप चेक करें, बहुत खूबसूरत बेड और पीछे बेड वॉल भी लेविश किस्म की बनाई हुई है, मिरर और सॉफ्ट कुशनिंग के कॉम्बिनेशन के साथ, और सेम उसी कलर में यहाँ पे सिटिंग सोफ़ास भी दिए गए हैं, सेंटर टेबल भी दे दी गई है। इधर से जब आप आगे आते हैं यानी बेड वॉल की बैक साइड पर, काफ़ी स्पेशियस इसका अटैच वॉशरूम, जिसमें बिल्कुल सामने वार्डरोब के लिए स्पेस, और लेफ्ट साइड पर कोरियन की वैनिटी, और उसके ऊपर है LED मिरर। यहाँ से मजीद आगे आएंगे तो इसका शावर एरिया मैं आपको दिखा देता, सामने इसका शावर एरिया है, और ये है इसका वॉल फिटेड कमोड। इधर ये जो बॉर्डर वर्क है कंप्लीटली कोरियन का किया गया है, ये भी बॉर्डर वर्क कंप्लीटली कोरियन का किया गया है, और पूरे घर में ग्रोही कंपनी की वॉशरूम एक्सेसरीज का यूजेज आपको मिलेगा। यहां से हम अब चलते हैं इसके बाहर, और ये मैं आपको चेक करवा रहा हूँ इसकी मीडिया वॉल। मीडिया वॉल पे भी बहुत ही यूनिक आर्ट वर्क किया गया है, नॉर्मली पेंट या वॉलपेपर किया जाता है, लेकिन यहाँ पे पॉपअप किस्म का ये काम है जिसके ऊपर नोवा पेंट का यूजेज है। और इधर से अब हम बाहर आते हैं तो इसके ग्राउंड फ्लोर का फर्दर प्लान देखेंगे। यहाँ से बाहर आते हैं तो इसके फ्लोरिंग का जो देखें कॉम्बिनेशन किस तरीके से चेंज हो जाता है, इधर से आप आगे आते हैं तो टाइल वर्क स्टार्ट हो जाता है और इसका टेक्सचर भी आप व्यू कर रहे हैं। और यहाँ से मैं आपको लेके चलता हूँ इसके ड्राइंग रूम की तरफ, ये देखें, डाइनिंग की तरफ, पता नहीं क्या हो गया आज मुझे, इग्नोर कीजिएगा इस चीज़ को, एक्चुअली तबीयत मेरी थोड़ी सी ख़राब है इसलिए थोड़ी सी ये हो गया, आगे नहीं होगा अब इंशाल्लाह। नीचे सबसे पहले आप चेक करें इसका टाइल वर्क, और सेंटर में बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह इसका जो सिटिंग एरिया डिज़ाइन किया गया है, लेफ्ट साइड वाली जो वॉल है टाइल्स लगाई गई हैं और रॉप लाइट है, और उसी के साथ मिरर वर्क किया हुआ है। सेंटर में खूबसूरत शैंडिलियर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, सामने आप देख सकते हैं कर्टन्स भी लगाए गए हैं और उसी के साथ कंसोल रखा गया है। इधर सेंटर में मिरर वर्क है, और ये मैं आपको यहाँ से चेक करवा रहा हूँ इसका कम्प्लीट व्यू, और इधर ऊपर AC आपको मिल जाता है। ये इसकी डाइनिंग एरिया की स्पेस है, और यहाँ से मैं अब आपको लेके चलता हूँ इसके किचन की तरफ। इधर से जब आप एंटर होंगे तो किचन में राइट साइड पे आपको बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट सिटिंग स्पेस मिल जाती है, जहाँ पे आप अपना खाना बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, कम्प्लीटली A+ प्रीमियम क्वालिटी की वेलवेट का काम किया गया है, और ये सेंटर टेबल चेक कर सकते हैं, ये भी आप देखें कि प्रीमियम क्वालिटी के पत्थर के साथ इसको बनाया गया है, खूबसूरत हैंगिंग लाइट्स हैं। और ये है आपके किचन का व्यू, जिसमें ऊपर आप देख रहे हैं AC भी लगा हुआ है, काफ़ी स्पेशियस ये किचन है। और यहाँ से मैं आपको दिखाता चलूँ इसका 6 स्टोव बर्नर, स्लैब को बनाने के लिए कोरियन का यूज़ किया हुआ है, लेफ्ट साइड पे LG का रेफ्रिजरेटर है, और राइट साइड पे इधर आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक और माइक्रोवेव ओवन है। ये मैं आपको करीब से इसका चेक करवा रहा हूँ, फ्रिज का डिज़ाइन,
और आगे आप आते हैं तो ये है इसका सर्विस किचन, और ये चेक करें कितना स्पेशियस है। राइट साइड पे इसकी स्पेस है जहाँ से गैलरी एरिया से आप इस किचन में एक्सेस ले सकते हैं, और यहाँ से भी मैं आपको इसका कंप्लीट व्यू करवा रहा हूँ। सो व्यूअर्स, ये है इसके ग्राउंड फ्लोर का किचन, बहुत ही ज़बरदस्त, और यहाँ से अब आपको परफेक्ट व्यू मिल रहा होगा कितने खूबसूरती से इसका ये जो सिटिंग एरिया है इसको प्लान करके डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ से जब हम बाहर आते हैं तो अगेन आप बहुत शानदार किस्म के जो इसकी डबल हाइटेड लॉबी है उसको व्यू करते हैं, ये आप देखें। और इसका ग्राउंड फ्लोर का व्यूअर्स प्लान इसी के साथ पूरा होता है। मैं आपको पहले इसका ये जो पाउडर रूम है ये भी दिखा देता हूँ, जो कि स्टार्ट में मैंने आपको नहीं दिखाया। आप जैसे घर में एंटर होते हैं लेफ्ट साइड पे ये है इसका पाउडर रूम, और पाउडर रूम में भी आप देख लें कि कितना ज़बरदस्त काम किया गया है। ऊपर ये सेंटर में एग्जॉस्ट फैन भी लगा दिया गया है, और यहाँ से इसी के साथ हमारे इस घर के ग्राउंड फ्लोर का प्लान पूरा होता है। अब मैं आपको इसके पहले बेसमेंट में लेके चलूँगा जहाँ पर मैं आपको इसका पूल, होम थिएटर और फर्दर इसका जो प्लान है वो दिखाऊँगा। ये आप चेक करें, आप जैसे स्टेयर से नीचे उतरते हैं ये देखें कितनी खूबसूरत, कितनी एलिगेंट किस्म की आपको सिटिंग यहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई है, और बहुत ही ज़बरदस्त और रिच टोन कलर स्कीम के साथ इसका जो ये सिटिंग एरिया है ये ओवरऑल डिज़ाइन किया गया है। ये मैं यहाँ से आपको चेक करवा रहा हूँ, ये देखें अब आपको पता लगेगा यहाँ पे टाइल वर्क है, और जो टाइल और ये वुडन वर्क स्प्लिट हो रहा है सेंटर में, देखें ब्रास का काम किया गया है, नॉर्मल काम नहीं है, यहाँ पे ब्रास से इन दोनों को स्प्लिट किया हुआ है। खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन और सेंटर में ब्यूटीफुल हैंगिंग लाइट, सामने हैंडक्राफ्टेड पेंटिंग्स हैं, बहुत ज़बरदस्त सिटिंग एरिया है। और इसका ये जो बेडरूम का साइज़ है, मुझे आपने बताना है कि किसी भी एक कनाल के घर में आपने इतना बड़ा बेडरूम का साइज़ देखा है। नीचे इसका टाइल्स का जो वर्क है उस पर भी तवज्जो दीजिएगा, बहुत खूबसूरत इसका ये सिटिंग एरिया है। और ये सिटिंग एरिया इतना रखा गया, नॉर्मली ये कमरे का साइज़ होता है जितने एरिया में इसका सिटिंग एरिया को बना दिया गया है। और यहाँ से हम जब आगे आएंगे तो अब है इसका बेड एरिया, जहाँ पे नीचे फ्लोरिंग कम्प्लीटली वुडन की है। इधर से लेफ्ट होंगे तो सामने आप देखते हैं इसकी मीडिया वॉल, और यहाँ पे कर्टन्स हैं जिसकी बैक साइड पे स्विमिंग पूल है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और ये है इसकी बेड वॉल जहाँ पे बेड को रखा हुआ है, ये आप चेक कर लें। और यहाँ से आप बहुत ही लेविश किस्म का व्यू देखते हैं अपने बेडरूम से। और इस स्विमिंग पूल का जो साइज़ है, मैं यहाँ पे ये मेंशन करना चाहूँगा कि अभी तक के मैंने जितने भी दो कनाल के घर देखे हैं या जिनका मैंने टूर करवाया है, इतना बड़ा स्विमिंग पूल मैंने किसी भी दो कनाल के घर में नहीं देखा है। इस पूल का साइज़ बहुत ही बड़ा है, और बहुत ही अच्छे तरीके से पूल की जो वो डिवीजन है वो की गई है। आप इसमें एंटर होंगे तो अगेन यहाँ पे वैनिटी आपको कोरियन की मिलती है, ऊपर एलईडी मिरर, बैक साइड पे आप देख रहे हैं इसका शावर रूम, और ये है इसकी जकूजी की स्पेस। इसके सीलिंग वर्क भी देख लें कितनी खूबसूरती से कम्प्लीटली रॉप लाइट का काम किया हुआ है। लेफ्ट साइड पर ये मेरे साथ इसके वार्डरोब का एरिया चलता जा रहा है, और इधर से राइट साइड पर देखें मैट ब्लैक कलर में वॉल फिटेड कमोड। व्यूअर्स, ये है इसके बेसमेंट का बेडरूम, और यहाँ से अब आपको थोड़ा आइडिया होगा कि ये है इसका बेड का एरिया और ये है इसका सिटिंग एरिया, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कम्प्लीटली डिज़ाइन किया हुआ है, और जो कलर स्कीम है वो बहुत ही ज़बरदस्त रखी गई है। ये यहाँ पे 3x6 की टाइल्स का यूज़ किया गया है इसकी मीडिया वॉल पे, और यहाँ से हम बाहर आते हैं इसका फर्दर प्लान देख लेते हैं। व्यूअर्स, इधर से भी सामने आपको पूल का व्यू मिलता है, ये जो सामने विंडोज़ हैं इसके आगे कर्टन्स लगे हुए हैं। मैं पूल एरिया में जाके आपको इसका ये एरिया दिखाता हूँ, ये चेक कीजिएगा, ये देखें माशाल्लाह, देखें कितना ज़बरदस्त साइज का इसका स्विमिंग पूल है, बहुत ही लेविश। और उसी के साथ ये बड़ी कमाल की जगह है संकन एरिया की, देखें कितनी ज़्यादा स्पेस दी गई है कि यहाँ से यहाँ पे आप बैठ के बारबेक्यू करें या अपने दोस्तों के साथ बैठ के पार्टी करें, एंजॉय करें, बहुत अच्छे तरीके से आप इस जगह को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, यानी यहाँ पे कंजेस्टेड सी फीलिंग आपको नहीं आती है। और इधर से भी आगे जाके मैं आपको इसका ये व्यू दिखा देता हूँ। यहाँ से ये है इसका वॉशरूम, यानी ये शावर के लिए ये एरिया बनाया गया है, यहाँ पे आप शावर ले सकते हैं और इस जगह को आप एज अ स्टोर रूम यूज़ कर सकते हैं। सामने एलईडी मिरर को भी लगा दिया गया है, अपने नीड के अकॉर्डिंग आप इस जगह को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सामने तक आपकी जो नज़र पड़ती है कम्प्लीटली संकन एरिया आपको दे दिया गया है, जिसको आप गैलरी एरिया भी बोल सकते हैं बेसमेंट का।
और गैलरी एरिया मैं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक चीज़ मेंशन भी कर दूँ कि ये घर DHL लाहौर की एक रिनॉन्ड फर्म जो कि बहुत ही फेमस जानी जाती है अपने आर्किटेक्चर के हवाले से, जिसका नाम गैलरिया डिज़ाइन है, उनकी जानिब से इस घर को कम्प्लीटली बनाया गया है। और ये देखें यहाँ पे भी सेम वैसे ही ऑटोमेटिक लाइट्स हैं। और अब हम यहाँ से आगे फर्दर इसके प्लान की तरफ जब चलते हैं तो इधर सामने आपको मिल जाता है ब्यूटीफुल कंसोल विद ब्यूटीफुल डेकोरेशन पीसेस, ऊपर आप देख ही रहे हैं बहुत ही खूबसूरत हैंडक्राफ्टेड पेंटिंग है। ये लेफ्ट साइड पे वॉशरूम है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें ये वॉशरूम है। और साथ में आप चाहें तो इस एरिया को ड्राइंग रूम बनाना चाहें, या जो ऊपर मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया उस एरिया को ड्राइंग रूम बनाना चाहें, जो आपको अपने नीड के अकॉर्डिंग सूट करता है आप उसको उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। ये चेक करें बहुत ही ज़बरदस्त सिटिंग कैपेसिटी है, लेफ्ट साइड पे ब्यूटीफुल कलर्स के साथ चेयर्स हैं। और यह वॉल पर देखें ब्लैक कलर की टाइल है जिसमें सेंटर में आपको ब्रास का वर्क मिल रहा है, यहाँ कंसोल रखा गया है। और इधर से मैं आपको इसका जो सिटिंग एरिया का कम्प्लीटली व्यू है वो दिखा रहा हूँ, ये नीचे से लेकर ऊपर तक इसका कम्प्लीटली व्यू देखें, ब्यूटीफुल शैंडिलियर लगाया गया है। और ये जो फैब्रिक है मैं ये दिखाना चाहता हूँ आपको, ये फैब्रिक बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही कुजी किस्म का ये फैब्रिक है, जब आप इसको टच करते हैं तो इसकी बहुत ही ज़बरदस्त फील आती है। और यहाँ सामने बैक साइड पर विंडोज़ हैं जहाँ से आप अगेन अपने जो पूल है उसका व्यू देख सकते हैं। मैं ये थोड़ा सा साइड पे करके आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, यानी आप चेक कर रहे हैं कि आपको हर जगह से अपने पूल का व्यू मिल रहा है। और इधर से भी मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका व्यू, ये देखें। सो व्यूअर्स, ये है इसका सिटिंग एरिया बेसमेंट में, सामने है इसका होम थिएटर, ये राइट साइड पर मैंने आपको अभी व्यू करवाया, इसका वॉशरूम है, और ये है इसका स्टोर रूम जो कि अभी बंद है। और ये चेक करें कितना लेविश किस्म का इसका होम थिएटर रखा गया है, इसका सीलिंग डिज़ाइन देखें, स्टार लाइट्स का यूज़ किया गया है, ग्रीन कलर की जो लाइट्स हैं उसमें। और ये है इसकी वॉल वर्क, कम्प्लीटली ज़बरदस्त किस्म का इसका होम थिएटर का ये डिज़ाइन है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। लेफ्ट साइड पे प्रोजेक्टर स्क्रीन है। सो व्यूअर्स, ये है इस घर के बेसमेंट का प्लान, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर का प्लान आप लोग देख चुके हैं, अब बारी है इस घर के फर्स्ट फ्लोर के प्लान की, और उसी के साथ मैं रूफटॉप दिखाऊंगा, रूफटॉप भी इसकी कम्प्लीटली बनाई गई है। यहां से अब हम चलते हैं इसकी एलिवेटर के थ्रू। इसकी एलिवेटर है और यहां से हम फर्स्ट फ्लोर को प्रेस करते हैं। व्यूअर्स, मुझे पता है इस घर की जो वीडियो है वो थोड़ी सी लेंथी है, लेकिन कोई बात नहीं, घर जितना खूबसूरत है उसको एलिब्रेट भी उस तरीके से करना ज़रूरी है। थोड़ी सी लेंथी मुझे पता है वीडियो हो जाएगी, लेकिन इस घर की खूबसूरती को डिटेल में आप देख सकेंगे। ये देखें जब ये ओपन होता है ना तो ये चेक करें, माशाल्लाह, जैसे लिफ्ट ओपन होता है और जब आपकी आँखें खुलती हैं लिफ्ट के सामने तो ये व्यू मिलता है। ये देखें स्टेयर से अगर आप आते हैं तो राइट साइड पे होके बिल्कुल सामने ऑफिस रूम है आपका, ये आप देख लें बहुत ही खूबसूरत इसका ऑफिस रूम यहाँ पे बनाया हुआ है, नीचे रग है और वुडन की फ्लोरिंग है। लेफ्ट साइड पे इसके ओपन टेरेस की स्पेस है। और ऑफिस रूम से राइट साइड पे जब आप होंगे तो सुपर स्पेशियसली डिजाइन एंड ब्यूटीफुल इंटीरियर के साथ इसका ये है किंग साइज बेडरूम, जिसमें ये मीडिया वॉल आप इसकी चेक कर रहे हैं। और ये लेफ्ट साइड पे देख लें कंसोल है, प्लांटर्स का यूज किया गया है, बहुत स्पेशियस इसका अटैच वॉशरूम, जिसमें आप ये देख लें ये जकूजी को लगाया गया है। ये राइट साइड पे घर का फ्रंट एलिवेशन है और सामने वाली वॉल पे कम्प्लीटली वार्डरोब के लिए स्पेस को छोड़ा गया है, यानी वार्डरोब के लिए बनाया गया है। और सामने है इसका कमोड एरिया, मैं यहाँ से आपको इसका व्यू दिखा देता हूँ, कमोड एरिया। और ये है सामने इसका शावर रूम, शावर रूम भी देखें कितना ज़्यादा स्पेशियस है। साथ में राइट साइड पे कोरियन की वैनिटी है जिसके ऊपर आप देख सकते हैं दो LED मिरर्स को लगा दिया गया है। और जब हम इधर से बाहर आते हैं ना तो अब आप इसको कम्प्लीटली इस बेडरूम की खूबसूरती को देख सकेंगे। ये देखें बहुत ही लेविश किस्म की बेड वॉल, जहाँ पे ब्रास वर्क है, सॉफ्ट कुशनिंग है, और सेंटर में इसके जो कितना यूनिक किस्म का शैंडिलियर यहाँ पे लगाया गया है। और अगेन यहाँ पे ये इसका फ्रंट एलिवेशन आ जाता है, इधर भी आपको सिटिंग के लिए जगह मिल जाती है। और सेंटर में आप देख रहे हैं प्लांटेशन, ये मैं आपको इसलिए हर एंगल से व्यू करवा रहा हूँ, मेरी कोशिश है कि मैं इस घर की जो खूबसूरती है वो डिटेल के साथ आपको बता सकूँ। मुझे पता है कि जब आप यहाँ पे फिजिकली खड़े होते हैं तो उस चीज़ की एक जो फील है वो बहुत डिफरेंट होती है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि हर तरीके से
चीज़ का जो एक्सपीरियंस है और जो खूबसूरती है वो आप तक पहुंचा सकूं। लेकिन अगर फिर भी आप समझते हैं किसी तरीके से कहीं पे कोई कमी रह जाती है तो ज़रूर मुझे गाइड किया करें और मैं खुद कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को सपोर्ट करता हूँ, तो लाजमी बताइएगा अगर कोई कमी रह जाए। ये है व्यूवर्स फर्स्ट फ्लोर का लाउंज जिसमें ब्यूटीफुल सीलिंग डिज़ाइन है और बहुत ही खूबसूरत सीटिंग कैपेसिटी यहाँ पर बनाई गई है। सामने मीडिया वॉल है जहाँ पर आप LED लगा सकते हैं और ये है इसका बार एरिया या किचन एरिया आप इसको बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका व्यू और इधर से जब आप लेफ्ट होंगे तो ये है इसके ओपन टेरेस की स्पेस, ये चेक करें, ये है इसका ओपन टेरेस। और यहाँ से हम बाहर आते हैं, लेविश किस्म का सीन आप देखेंगे यहाँ पे, ये सीन। और ये राइट साइड पे एलिवेटर है, मजीद ये जब हम राइट पे आते हैं तो आपको फर्स्ट फ्लोर पे ये स्पेस मिल जाती है जिसको आप मेड रूम बना सकते हैं। ये देखें, आप मेड रूम बना सकते हैं, पीछे बैक साइड पे इसमें दो क्वार्टर्स भी बनाए गए हैं, साथ में आपको मेड रूम भी दे दिया गया फर्स्ट फ्लोर पे। डिवीजन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से की गई है और बहुत ही स्पेशियस हर चीज़ को डिज़ाइन किया गया है। ये है इसके फर्स्ट फ्लोर का सेकंड बेडरूम जिसमें फ्लोरिंग नीचे कम्प्लीटली वुडन की है। आप एंटर होते हैं तो ब्यूटीफुल इसकी सेंट्रल लाइट है और लेफ्ट साइड पे आप व्यू करते हैं तो बेड वॉल है बहुत ही खूबसूरत, जहाँ पे खूबसूरत कलर के साथ बेड को रखा गया है, लैंप्स लगाए गए हैं। और यहाँ लेफ्ट साइड पर मैं आपको दिखाता चलूँ, इसको सिटिंग चेयर्स के साथ डिज़ाइन किया गया है स्पेस को। बेड वॉल की बैक साइड पे अटैच्ड वॉशरूम की स्पेस है जिसमें वेरी राइट पे क्यूबिकल शावर रूम आपको दे दिया गया है और इसी के साथ आपको वॉकिंग क्लोजेट की स्पेस दे दी गई है, काफ़ी स्पेशियस। और इधर से जब आप आगे आते हैं तो ये है इसका कमोड एरिया, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसका कमोड एरिया है। और इधर सेंटर में पार्टीशन करके ग्लास को लगा दिया गया है। साथ में ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा बहुत ही खूबसूरत इसका वैनिटी वाइट कलर के कोरियन के साथ और ऊपर LED मिरर। और ये जो इसका पाउडर कह रहा हूँ, इसका जो बॉर्डर है यहाँ पे अगेन कोरियन आप देखते हैं और इसकी बैक साइड पे रॉप लाइट का यूज़ किया गया है ब्यूटीफुल तरीके से। और इधर से ये आप देख सकेंगे इसका खूबसूरत मीडिया वॉल का डिज़ाइन, बहुत ही खूबसूरत काफ़ी बड़ी मीडिया वॉल यहाँ पे बनाई गई है, नीचे कंसोल भी दे दिया गया है, आप अपने नीड के अकॉर्डिंग इस जगह को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और यहाँ से जब मैं आपको बाहर लेकर आता हूँ तो अगेन इसका खूबसूरत व्यू है। इधर राइट साइड पर कम्प्लीटली वॉल पेपर है, खूबसूरत यहाँ पर मिरर लगाया गया है। और ये जो बेडरूम है, अगर कोई फीमेल हैं तो उनके लिए तो ये एक ड्रीम बेडरूम हो सकता है कि कलर कॉम्बिनेशन देखें कम्प्लीटली पिंक रखा गया है। और ये जितनी भी फीमेल्स हैं या गर्ल्स हैं उनका तो फेवरेट बेडरूम इस घर में यही होने वाला है, मुझे पता है। इसमें जब आप एंटर होते हैं तो इधर लेफ्ट साइड पे बहुत ही खूबसूरत आप देख लें सिटिंग आपको मिल जाती है। और ये है इसकी खूबसूरत बेड वॉल विद ब्यूटीफुल बेड डिज़ाइन, सेंटर में यहाँ टेबल भी है, राइट साइड पे भी सोफ़ा दिया गया आपको सिटिंग के लिए। और इधर मैं आप ले कर चलता हूँ आपको इसके अटैच्ड वॉशरूम की तरफ। ये वॉल पे कम्प्लीटली नोवा पेंट का यूज़ किया गया है। आप जब इस वॉशरूम में एंटर होते हैं तो देखें क्रिस्टल क्लियर किस्म का यहाँ पे मार्बल लगाया गया है। और ये है इसकी बहुत ही खूबसूरत वैनिटी, ऊपर LED मिरर है और यहाँ रॉप लाइट का यूज़ किया गया है मेरे राइट साइड पे। और बिल्कुल सामने इसकी वार्डरोब की स्पेस है। इधर से मजीद आगे आएंगे तो राइट साइड पे ग्रीन इफेक्ट के लिए आपको प्लांटर्स को मिल जाते हैं, वॉल फिटेड कमोड इधर आपको मिल जाता है। और ये है इसका क्यूबिकल शावर रूम। व्यूवर्स ये है इस घर का कंप्लीट हाउस टूर। इस घर में जितनी भी अकोमोडेशन है वो सारी की सारी आप लोग देख चुके हैं। और ये अब आप देख रहे हैं इस बेडरूम की बहुत खूबसूरत, मुझे पर्सनली बहुत अच्छी चीज़ ये लगी है। इसकी जो मीडिया वॉल है देखें कितने यूनिक तरीके से, यूनिक इसलिए है कि इसमें डिवीजन बहुत अच्छे तरीके से की गई है। ये जो ब्रास का वर्क है बहुत अच्छा लग रहा है, वो अब आपको पता लगेगा। ये PVC का काम है, सेंटर में ब्रास है। और यहाँ पर तीसरी जो चीज़ एड ऑन की गई है वो सोफ कुशनिंग है, यानी तीन चीज़ों का कम्बिनेशन के साथ इसकी मीडिया वॉल को बनाया गया है। और यहाँ से आप इस घर में किए गए काम का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं एक और इसका जो ज़बरदस्त किस्म का व्यू है वो आपको दिखाना चाहूँगा कि जब आप इस बेडरूम से खड़े होकर नीचे देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह का व्यू मिलता है, ये देखें माशाल्लाह। और व्यूवर्स इसी के साथ इस खूबसूरत तरीन घर का विजिट कंप्लीट होता है। अब मैं आपको इसकी रूफटॉप तक ले जाता हूँ। रूफटॉप तक जाते जाते इसकी प्राइस मैं आपको बता देता हूँ कि इस घर की जो डिमांडिंग प्राइस है वो रखी गई है 36 CR, यानी 36 करोड़ रुपए इस घर की प्राइस है। और प्राइस स्टिल नेगोशिएबल है। मजीद इस घर के विजिट के लिए और फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ बता दूं कि मार्केट में दो ऐसे घर अवेलेबल हैं जो कि बेसमेंट के साथ नहीं है, बेसमेंट उनमें नहीं है बिल्कुल भी। और
35-37 CR तक उनकी डिमांड हो रही है। और ये घर कंप्लीट बेसमेंट के साथ, कंप्लीट फर्निशिंग के साथ, कंप्लीट लेविश किस्म के अकोमोडेशन के साथ आपको मिल जाए, और वो भी 36 की डिमांड के साथ एंड स्टिल विद नेगोशिएशन, तो और क्या चाहिए मुझे ये बताएं। राया के बिल्कुल करीब ये घर है, सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ वो राया है, ये आप स्पेस देख लें, ये राया है और वो आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसका फेयरवेज कमर्शियल है। तो और बताएं इस प्राइस में आपको क्या चाहिए, इतनी लेविश किस्म की स्पेस है। तो इसी के साथ व्यूवर्स मुझे दीजिए इजाज़त, अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हाँ, और इस घर के विजिट के लिए मेरे से रब्ता ज़रूर करें, 03220405751 ये मेरा नंबर है, और मेक श्योर प्रॉपर्टी लोकेटर को सब्सक्राइब और चैनल को लाइक ज़रूर कर लें, ताकि इन फ्यूचर भी आपको मजीद खूबसूरत घर की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। तब अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया। बेसमेंट में दो सर्वेंट क्वार्टर्स भी बनाए गए हैं।